आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है 51। तो पूछा गया है रामचरितमानस के राम में कौन कौन से गुण हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, अर्थात शक्तिशील सौंदर्य। ये तीनों गुण रामचरित के राम के पास है। यहाँ पर जो रामचरितमानस है इसके रचयिता हैं तुलसीदास, आपको ये भी याद रखना है। अगला जो प्रश्न है 52, तो पूछा गया है भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है। जो भास्कर रामायण है ये लिखी गई है तेलुगु में। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 53, तो पूछा गया है मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण के रचयिता कौन हैं। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प सी, एकनाथ। जो भावार्थ रामायण है ये मराठी भाषा में रचित है और इसके रचनाकार हैं एकनाथ। अगला जो प्रश्न है 54, तो पूछा गया है पौरुष्य रामायण के रचयिता का नाम बताइए। तो जो पौरुष्य रामायण है इसके रचयिता हैं नरहरि बापट। यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 55, तो पूछा गया है जो भक्ति काल के पहले केवल द्विजातियों के लिए था उसे सबके लिए किसने खोल दिया। तो यहाँ पर 55 का सही विकल्प होगा विकल्प बी, रामानंद। जो रामानंद थे इन्होंने भक्ति मार्ग पहले केवल द्विजातियों के लिए ही माना जाता था। जो रामानंद थे इनसे पहले भक्ति मार्ग सिर्फ दो ही जातियों के लिए माना जाता था, परंतु रामानंद के आ जाने के पश्चात जो भक्ति मार्ग था ये सभी के लिए खोल दिया गया था। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 56, तो पूछा गया है रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो जो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो ये थे विकल्प डी, रामानंद। यहाँ पर डी उचित आंसर होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 57, तो पूछा गया है राघवानंद किसके गुरु थे। जो राघवानंद थे ये थे रामानंद के गुरु। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है 58, तो पूछा गया है रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं, यह मत इनमें से किसका है। तो बताना है कि जो प्रस्तुत कथन है किसका होगा। तो यहाँ पर यह कथन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सी सही उत्तर होगा। जो ये कथन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे कहीं पर नोट करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह के कथन आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है ये है 59, तो पूछा गया है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए, ये पंक्ति किसकी है। तो ये प्रश्न भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये प्रश्न ये उत्तर होगा गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए, ये होगा रहीम की पंक्ति। अगला जो प्रश्न है ये है 60, तो पूछा यह है तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी। तो ये लिखी थी विकल्प भी विनय पत्रिका। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 61, तो पूछा गया है रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई थी। तो जो रामचरितमानस की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हुई थी तो ये हुई थी 2 वर्ष 7 माह के अंतर्गत। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 62, तो पूछा गया है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो ये हैं 7 कांड। यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 63, तो पूछा गया है रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी। तो ये हुई थी 1631 विक्रम संवत में। विकल्प ए उचित होगा। अगला प्रश्न है 64, पूछा गया है रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है। तो जो रामचरितमानस का 5वां कांड है तो ये होगा सुंदरकांड। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 65, पूछा गया है इनमें से रामकथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है। तो जो रामकथा का मार्मिक प्रसंग होगा तो ये होगा चित्रकूट प्रसंग। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं
प्रश्न संख्या है 66 पूछा गया है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, ये कथन किसका है? तो ये कथन होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 67 पूछा गया है, ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? तो जो ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन है ये रामचरितमानस के उत्तर कांड में विवेचित है, यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 68 पूछा गया है, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वच्छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है, तो ये कथन भी होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और पूछा गया है किसका कथन है, तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 69, तो पूछा गया है दुल्ह रामसीय दुल्ही री, ये पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये पंक्ति होगी, ये होगी गीतावली की, और ये ली है तुलसीदास द्वारा, तुलसीदास ने गीतावली में ये पंक्ति कही है। अगला प्रश्न है 70, तो पूछा गया है बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिए वे कौ काल रसना पसारी, ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास जी की, और ये ली गई है कवितावली से, यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। अगला जो प्रश्न है 71, तो पूछा गया है राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? तो जो राम के बाल रूप की झांकी सर्वाधिक वर्णित की गई है, तो ये की गई है विकल्प बी कवितावली में, यहाँ पर जो विकल्प बी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 72 पूछा गया है, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे, तो जो पंक्ति है ये होगी तुलसीदास की, और ये है कवितावली की, यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 73, तो पूछा गया है केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति किस कवि की है? तो ये प्रश्न भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे कहीं पर नोट करिएगा। तो जो ये पंक्ति होगी ये होगी तुलसीदास की, पंक्ति है केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति है तुलसीदास की, यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 74, तो पूछा गया है अबलो नसानी अबना नसे हो पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये प्रश्न भी है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन भी प्रश्न को मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहता हूँ इसे कहीं पर नोट करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जो ये पंक्ति है अबलो नसानी अबना नसे हो, तो पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये है विनय पत्रिका की, और ये पंक्ति कही गई है तुलसीदास जी द्वारा। अगला जो प्रश्न है 74, तो पूछा गया है तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है? तो जो तुलसी के विनय पत्रिका काव्य ग्रंथ है इसमें शांत रस की प्रधानता होगी, यहाँ पर जो विकल्प बी है ये उचित होगा।